देश में फैले भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खात्मे के लिए कानपुर में भगवान शनि देव का मंदिर स्थापित किया गया है और इसका नाम रखा गया है भ्रष्ट तंत्र विनाशक शनि देव मंदिर। मंदिर के अंदर कई नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों की फोटो लगाई गई है। अब इन लोगों पर शनि देव की लगातार नजर बनी रहेगी और जिसने भी भ्रष्टाचार किया उसकी 7.5 शुरू हो जाएगी। भ्रष्टाचारियों पर शनि की 7.5। अब भ्रष्टाचार किया तो खैर नहीं, शनि की वक्र दृष्टि से बच नहीं पाएंगे भ्रष्टाचारी। कानपुर में होगा भ्रष्टाचारियों का इलाज। भगवान शनि देव के इस मंदिर को देखिए। कल्याणपुर इलाके में बना यह शनि मंदिर अपने आप में अनोखा है। मंदिर को बनाने का उद्देश्य पूजा पाठ से ज्यादा भ्रष्टाचारियों का इलाज करने का है। मंदिर की दीवारों पर कई राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की फोटो लगी है। ये तस्वीरें किसी समर्थक में नहीं लगाई गई, बल्कि ये तस्वीर तो सभी पार्टी के नेताओं की है। मंदिर बनाने वाले का मानना है कि शनि भगवान तय करते हैं कि कौन काम कर रहा है और भ्रष्टाचार से दूर है, उस पर वो दया दृष्टि बनाए रखते हैं और जिसने भ्रष्टाचार किया उस पर उनकी दृष्टि टेढ़ी हो जाती है, जिससे उसका विनाश हो जाता है। इस मंदिर के अंदर शनि भगवान की 3 मूर्तियां हैं। तीनों का मुख अलग अलग है। शनि भगवान की दृष्टि सीधे मंदिर के अंदर लगी फोटो पर पड़ती है। इस तरह के मंदिर की स्थापना के पीछे संस्थापक का तर्क है कि भारत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसे केवल देवी शक्तियां ही दूर कर सकती है। शनिदेव की दृष्टि में वो सही नहीं बैठ रहे हैं, जो भी कारण रहा हो उनका, ये शनिदेव न्याय करेंगे, इसे न्याय करने वाले हम कुछ नहीं। जो भी पावर में उनकी फोटो यहाँ लगी है, मुख्यमंत्री भी लगे, कई देखी यहाँ पे चले गए, सोनिया गांधी की लगी, मनमोहन सिंह की लगी, दुनिया भर की लगी, सब गायब हो चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी की भी लगी है, वो भी धीरे धीरे करके गलत चलेंगे, गायब हो जाएंगे, नहीं तो उन्नति करेंगे वो भी। मंदिर के अंदर शनि भगवान की त्रिमूर्ति है। हर मूर्ति की दृष्टि अलग अलग लगी फोटो पर पड़ी है और शनिदेव देख रहे हैं कि कौन सनेता या राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है या जनता के हित में काम कर रहा है। शनि देव की एक मूर्ति की दृष्टि सीधे जजों पर पड़ रही है, दूसरी मूर्ति की दृष्टि विधायकों पर है और तीसरी मूर्ति की दृष्टि सीधे ब्रह्मा जी पर है। इसके पीछे तर्क है कि शनि ब्रह्मा जी को इशारा कर रहे हैं कि अपनी सृष्टि को सुधारो। इस मंदिर में शनि देव जी की 3 तरफ मूर्ति है, 2 तरफ जो मूर्तियाँ लगाई गई हैं वो एक तरफ राजनेता और दूसरी तरफ जज हैं, लेकिन तीसरी जो मूर्ति है शनिदेव महाराज की वो सीधे ब्रह्मा जी की तरफ दिखती है। हमारे साथ रॉबिन जी हैं, उनसे बात करते हैं कि ऐसा क्यों है कि तीसरी तरफ ब्रह्मा जी की मूर्ति क्यों लगाई गई है, उसके बारे में पूछते हैं। अब ये जो है, जब तक सृष्टि का पुनः विनाश नहीं होगा और दोबारा इसका उदय होगा, नई सृष्टि बनेगी, तभी जा करके भ्रष्टाचार खत्म होगा और फिर सतयुग आएगा, इसलिए शनि देव के सामने इस प्रार्थना से रखी गई है। जब मंदिर की स्थापना की गई तब नरेंद्र मोदी और आडवाणी की फोटो लगाई गई थी जो कि अभी तक लगी है। इस पर मंदिर बनाने वाले का कहना है कि नरेंद्र मोदी पर शनि की दृष्टि सीधी पड़ी, उनको उन्नति मिली और वो प्रधानमंत्री बन गए। बाकी नेता जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चिदम्बरम, मायावती, मुलायम सिंह, अखिलेश, सब साफ हो गए, फोटो में लगी हैं। उनका वो उद्देश्य नहीं है कि वो बेईमान है, लेकिन हाँ शनि देव महाराज की दृष्टि पड़ रही है उन पर। अगर जो बेईमान है उनका शीघ्र पतन हो रहा है और जो ईमानदार हैं वो आगे उन्नति करते जा रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं, ये उनका मानना है। कैमरामैन बे पांडे के साथ अश्विनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस।